नाचे बीट खिलाती है। फ्रेंड दिस फाथ खान, यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल फाथ खान वीडियोज़। और फ्रेंड्स, आखिरकार मैं उस जगह पहुंच गया हूं जिस जगह की धूम जो है पूरे मलीर में मची हुई है, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जानवर जिसकी वजह से मैं यहां आया हूं, और इसके ऑनर जो है मेरे साथ मौजूद हैं। तो इन्हीं से पूछेंगे कि ये इसके जो है बचपने से जवानी तक का सफ़र कैसा रहा, और ये इसको क्या चीज़ खिलाते हैं जो ये माशाल्लाह से इतना भारी भरकम नज़र आ रहा है। और ये जो दुम्बा है, दुम्बे के बारे में पूछेंगे। आपने देखा होगा वीडियो में एक खूबसूरत दुम्बा है, उसके बारे में ही हम बात करेंगे इनसे। चले आइए इनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे हैं भाई? क्या नाम है आपका? मोहम्मद असद। असद भाई, हमें बताएं कि माशाल्लाह से ये जानवर जो है अपनी मिसाल आप नज़र आ रहा है पूरे मलीर में, मैंने जो है इससे बड़ा जानवर अभी तक नहीं देखा। तो इसको क्या खिलाया आप लोगों ने, और कहाँ इसको पाला गया था, इसके बारे में कुछ बताएं। भाई ये हमने स्टार्ट लिया था 6 महीने का लिया था बच्चा, बक्सर फार्म से लिया था, उन्हीं की ब्रीडिंग थी। और जब लिया था तब इसको 2 साल के प्लान पे लिया था कि 2 साल बाद ही कुर्बान करेंगे। फिर ये इसको उन्हीं के मंडे से स्टार्ट कराया, गंदम चना चिका और खल वगैरह के हिसाब से जो उनका प्रॉपर मंडा होता है उससे ही पाला इनका। और 2 साल की पूरी पलाई के बाद इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो तैयार हुआ है। अब ये तो वनडे में शामिल तमाम अज़ा थे, इसको दूध भी पिलाया, घी भी खिलाया, और इसमें देसी वंडा भी शामिल था। हाँ, मैंने वीडियो में देखा था कि इसको जो है भाई दूध पिला रहे थे, तो मतलब इसको जो है देसी घी और इस तरह की चीज़ें दी गई हैं। हाँ, ये देसी घी पे पला है, ये दूध पिलाया गया इसको देसी घी में। इसमें दखल शामिल था, चना छिलका शामिल था, गंदम था, जौ था। अच्छा, अगर हम इसको मंडी में अगर सेल करेंगे तो इस वक्त इसके क्या रेट लगेंगे? देखिए, हमने तो नियत जिस नियत से पाला था सेल की तो नियत थी नहीं वैसे, लेकिन अगर मार्केट रेट पे देखें तो 18 से 20 लाख इसकी नॉर्मल मार्केट प्राइस है। फ्रेंड्स, भाई कह रहे हैं कि इसकी जो है प्राइस जो है वो 18 से 20 लाख रुपए है, लेकिन मुझे देखने से लग रहा है ये जो है तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए तक का जाएगा, इसकी जिसामत वगैरह देखकर अंदाज़ा हो रहा है। और अच्छा, हमें कुछ इस दुम्बे के बारे में बताएं, माशाल्लाह से बड़ा खूबसूरत दुम्बा है, इस दुम्बे को भी आपने क्या पाला है? हाँ, इस दुम्बे को भी हमने लिया था 6 महीने का लिया था, और फैसलाबाद से मंगवाया था, कजला ब्रीड है। और स्टार्टिंग हमारे दोस्त ने लिया था अपने घर पर छत पर पाला था, उनका कुछ डोमेस्टिक रीजन की वजह से उनका सेटअप ख़त्म करना पड़ा। फिर ये दुम्बा हमने भेज दिया जमील मेमन पे मरहबा कैटल फार्म पे, वहाँ पे ये 6 महीने पला।
तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अब कंप्लीट हुआ है। इसका नाम हीरो रखा हमने। और इस जानवर के नाम क्या रखा है? जानवर का नाम खलीफा है, मशहूर है काफ़ी, ये खलीफा के नाम से। फ्रेंड्स ये खलीफा के नाम से मशहूर है, और ये जो दुम्बा है ये हीरो के नाम से मशहूर है। इस दुम्बे को भी कुछ खास गिज़ा खिलाते हैं हम? दुम्बा भी दूध पे पला है। दूध पे पला है, दुम्बे पे भी दूध पिलाई के लिए। और नॉर्मल इसकी कटिंग देंगे आप, कटिंग हमने स्पेशल करवाई हुई है इसकी। दुम्बा जो कचरा पेट का था तो ये तो यकीन बनना ही था। फ्रेंड्स इसकी जो है खूबसूरती जो है वो सामने ही नज़र आ रही है, तो मैं जो हूँ आप लोगों को जो है अपने चैनल के तवस्सुत से ये जानवर दिखा रहा हूँ, जिनकी पूरे मरीन में धूम मची हुई है और लोग जो हैं दूर दूर से इन जानवरों को देखने आ रहे हैं। फ्रेंड्स हमें जो है एक बकरे के बारे में बताया गया जो मैंने नहीं देखा था, लेकिन अब मैंने देख लिया है, और इसकी जो है चाल से अंदाज़ा हो रहा है कि ये बिल्कुल नायाब है। इसके बारे में हम कुछ बात करते हैं। भाई इसके बारे में बताएं कि ये बकरा भी आपने पाला है? जी जी, ये दरअसल हमने लगातार ही तकरीबन 14-15 साल हो गया, हर साल इसी की कुर्बानी कर रहे हैं और डिफरेंट कलर्स में कर रहे हैं। नाची ब्रीड कहलाती है, और पिछले साल हमने नाची ब्रीड ही की मंगवाई थी, और उसको करना में इस साल था, लेकिन वो किसी वजह से वो मर गया। उसका नाम भी हमने दिलराज रखा था, दिलराज। तो ये जोड़ा था क्या? नहीं जोड़ा नहीं था, वो दरअसल वो पिछले साल हुआ नहीं था, तो उसको रोक लिया था इस साल करने के लिए, तो वो किसी वजह से वो मर गया, फार्म पे मर गया था। फिर हमने ये बाय किया था, इसको भी तैयार किया, इसका नाम हमने दिलराज रिटर्न्स रखा, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार हुआ जोड़ा था। अच्छा ये जो है कोई नायाब नस्ल है? ये दरअसल नाची ब्रीड कहलाती है, ये जब चलती है तो नाच नाच के चलती है। हाँ हाँ, इसकी चाल से मुझे अंदाज़ा हो रहा है, मुझे जब ये चल रहा है तो ये बिल्कुल नाच रहा है। हाँ ये नाच नाच के चलता है, इसकी बस ये यूनिकनेस है, हाइट में पूरा बड़ा होता है। हाँ माशाल्लाह से इसकी हाइट भी बहुत ज़बरदस्त है, और ये जो है आम बकरों से जो है इसकी चाल जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, और बहुत खूबसूरत बकरा है ये। इसको अगर मंडी में सेल किया जाए तो इसकी जो है मुनफरद अंदाज की वजह से इसकी क्या रेट लगेंगे? नॉर्मल तो मंडी में मिलेगा नहीं उसमें। हाँ मंडी में तो ये मिलेगा नहीं, अगर मंडी में भी हुआ तो 1.5-2 लाख-2.5 लाख तक की इसकी डिमांड आती है। बच्चा इसका नॉर्मल मिलेगा 55-60 हज़ार का, सिर्फ 2 महीने का बच्चा, 3 महीने का बच्चा। फ्रेंड ये जो है बिल्कुल नायाब है, और अगर इसको मंडी में सेल किया जाएगा तो इसके रेट भी जो हैं वो बहुत मतलब लाख से ऊपर ही लगेंगे, 2-2.5 लाख का ये बकरा है, और इसकी चाल भी बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैंने अभी तक इस तरह का बकरा नहीं देखा जो इस तरह की चाल चल रहा हो, तो मलीर में मुझे ये पहला ही बकरा नज़र आया इस तरह की चाल चलता हुआ। तो फ्रेंड्स हमें जो है सपोर्ट करते रहें, और हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लेकर आते रहेंगे, और हमें अपना प्यार देते रहें आप लोग। थैंक यू। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और फहद खान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें सपोर्ट करते रहें। हम इसी तरह की वीडियोस आपके सामने लाते रहेंगे, और आप जो है इंजॉय करते रहेंगे इंशाल्लाह।